आज का लंच बॉक्स टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ है और आप इसे बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज का ये जो लंच बॉक्स बनने वाला है, तो यहाँ पर ये जो सूखे वाले कच्चे चने होते हैं ना, काले चने, वही मैंने भिगोकर रख लिए हैं 1 कप। जब ये अच्छे से भिगो जाए तब हमें इन्हें मिक्सी के जार में डाल देना है और इन्हें दरदरा होने तक हमें पीस लेना है। तो ना ही बहुत बारीक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा टुकड़े रखने हैं। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। और ये देखिए, इस तरह से हमने दरदरा सा इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए, बढ़िया से चने तैयार हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 बाउल, इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सूजी, साथ में डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी अभी यहाँ पर थोड़ा सा और इस्तेमाल होगा, जितना इस्तेमाल हो उस हिसाब से आप ले लें। इस पर कम से कम 1.5 कप पानी लग जाएगा, ये 1/2 कप वाला पानी है। तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और बारीक वाली सूजी को अच्छे से मिक्स कर लें। सूजी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि दही नहीं है तो क्या करें, तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग विनेगर डाल दें, ये बिल्कुल दही का काम करता है। तो 1 छोटे चम्मच ही आपको दही लेना है। और इसे देखिए, बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा चने का पेस्ट। सूजी के साथ में इसको इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल देखिएगा एक सार लगने लगेगा। तो अभी आपको इसमें थोड़ा पानी की आवश्यकता और पड़ेगी, क्योंकि ये चना है ना, तो थोड़ा सा ड्राई साइड में है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, लेकिन इतना कि यह अच्छे से फैल जाए हमारे तवे पर। अब बढ़िया से हमने फिर से पानी डाल दिया। तो टोटल इसमें 1.5 से 2 कप पानी लग जाएगा आपको। तो पानी डालने में कोई कंजूसी ना करें, नहीं तो फिर ये थिक रहेगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बैटर बहुत अच्छे से हमारा तैयार है। आप चाहे तो रेस्ट करने भी रख सकते हैं, इस तरह से बैटर बना के रख सकते हैं, रात में सुबह बना सकते हैं नाश्ता। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, ये हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट है, साथ में डाल देंगे नमक स्वादानुसार। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करके डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब ये बैटर एकदम तैयार है। अब लास्ट में एकदम डालने वाले हम इसमें इनो। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 छोटी चम्मच, तो जो एक सैसे आता है उसमें से मैंने 1/2 सैसे के लगभग लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है ना, तो ये अपने आप ही जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। तो आप चाहें तो दही डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से विनेगर का या फिर सैट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा खटास देने के लिए। और बैटर एकदम रेडी हो चुका है हमारा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कि ये नॉनस्टिक तवा। अगर आप इसे लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें ऑयल डालकर प्याज घुमा ले तो वो नॉनस्टिक बन जाता है। और अच्छे से इसको हमें स्प्रेड कर देना है। तो ये एकदम चीले जैसे बनेंगे, खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होते हैं, साथ ही एकदम प्रोटीन से भरा हुआ है ये। अगर आप इसमें कोई सब्जियाँ ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे से अच्छे से सिक गए हैं, ऊपर से इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। टर्न कर लेंगे। ऑयल, घी, बटर जो आपको इसमें लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। सारे प्रोसेस में जो गैस का फ्लेम है एकदम लो टू मीडियम रखना है आपको, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है। और अच्छे से दोनों तरफ से सेकते हुए हम इसको पलटा लेंगे। ये इतना टेस्टी लगता है ना, बच्चे इस तरह का लंच बॉक्स बहुत पसंद करते हैं। ठंडा होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट रहता है और बहुत यमी रहता है। मेरे बच्चे तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर बनाकर देती हूँ। ये देखिए, तो प्रोटीन से भरा हुआ हमारा ये आज का लंच बॉक्स एकदम रेडी है। इस तरह से आप रोल बनाकर दे दें। अगर आप इसमें सॉस बीच में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, या फिर साइड में रख कर दें। तो ये आज का हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा लंच बॉक्स हो चुका है तैयार। अपने बच्चों को आप रख कर तो देखिए, ये बिल्कुल फिनिश होकर आने वाला है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। और डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो आप बिल्कुल बनाकर देखिए, बच्चों को खिलाकर देखिए, साथ ही आप ये हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की रेसिपी सभी को पसंद आती हैं। तो ये देखिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।